कहते हैं ना कि आजकल सोशल नेटवर्किंग बहुत चल रहा है, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, व्हाट्सअप ले लीजिए, कैसा एक ही स्माइल में आदमी को प्यार हो जाता है, वैसे ही डायरेक्ट इश्क। डायरेक्ट इश्क में हमारे दो किरदार हैं जो विकी शुक्ला और कबीर वाजपेयी प्ले कर रहे हैं, और डॉली पांडे हमारी हीरोइन प्ले कर रहे हैं। अब ये दोनों कैरेक्टरों कैसे डॉली पांडे से डायरेक्ट इश्क हो जाता है वो आप देखिएगा। डायरेक्ट इश्क देखिए, इसमें काफ़ी कुछ मसाला है आपको, मतलब ये बोलते हैं ना छोटे सा, मतलब जैसे चार आपने पहले मेरी फिल्म देखी थी माय फ्रेंड रशा, इसमें मैंने बहुत मैसेज दिए हुए, वैसे इस फिल्म में भी आपको एक अलग तरह का मैसेज मिलेगा कि एक प्यार कैसा होता है। प्यार एक अलग टाइप का भी होता है, प्यार किसी आदमी को सुधार देता है और किसी आदमी को बिगाड़ देता है। इसमें आपको वो एक चेंज ओवर बहुत अच्छा मिलेगा। कभी आपने इनकाउंटर किया अपनी लाइफ में डायरेक्ट इश्क? हाँ, मेरी लाइफ में डायरेक्ट इश्क हुआ था, मेरी वाइफ से हुआ था, और बहुत खतरनाक वाला हुआ था। देखिए, ये फिल्म के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं बनारस गया था घूमने के लिए, और मैंने तभी सोचा था कि मैं एक फिल्म यहाँ पर करूँगा। वैसे जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे प्रदीप शर्मा मिले और उन्होंने ये बनारसी कहानी सुनाई मुझे, और जिससे मिस्टर ए एम तोरा जिन्होंने कहानी लिखी है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। मतलब मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन में ही सुनते के साथ यहाँ बोलते कि हाँ ये फिल्म करना। देखिए, मेरी लाइफ में भी डायरेक्ट इश्क हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था स्टोरी से कि डायरेक्ट इश्क होने के बाद क्या क्या होता है। और इस फिल्म में आप देखेंगे घटनाएं का तो ऐसे कि इस फिल्म में काफ़ी घटना होती है। इस फिल्म में जैसे कि हमारी फिल्म में हीरोइन को बाइक चलाना आता नहीं था, बाइक चलाई उसने कैसे कैसे उससे चलवाई, पूरी फिल्म में उसको बाइक चलानी थी। एक सीन था जिसमें अर्जुन घोड़े पे बैठना था, घोड़ा उसको सीधा बैठने ही नहीं दे रहा था, घड़ी घड़ी उल्टा कर देता था, तो फाइनली वो सीन मैंने ऐसे ही शूट किया कि घोड़े पे अर्जुन उल्टा आ रहा चल रहा। एक दिन तो ऐसा होता कि मैं यूनिट के मेंबर का नाम नहीं लूँगा कि एक जगह पे हम लोग महल में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर हमारी एक टेक्नीशियन थी, फीमेल टेक्नीशियन थी, जिसके अंदर वाकई में भूत आ गया था, और जो पूरी यूनिट में हो अल्लाह मच गया था। मतलब मैंने लाइफ में आज तक कभी देखा नहीं, मैंने पर्सनल अपना वो एक्सपीरियंस, बहुत आज भी सोचते तो बहुत डर लगता है उस एक्सपीरियंस के बारे में, और वो डायरेक्ट हो गया था हमारी एक टेक्नीशियन के साथ में, और किस तरह के से उसे वहाँ से निकाला गया, उसके अंदर से उस भूत को निकाला गया, और सबने लाइव देखा हुआ। हाँ, देखिए रजनीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे स्कूल में एक फिल्म थी माई मैं कृष्णा, उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस करता था। इस फिल्म में एक बहुत चैलेंजिंग रोल था, जैसे कि रजनीश को आपने आज तक अंडर प्ले ही देखा होगा, तो इस फिल्म में आप रजनीश को एक अलग ही रूप में देखेंगे, मतलब एक दबंग कैरेक्टर देखेंगे। और उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी रजनीश ने बहुत मेहनत की, हमारा राइटर है ए एम तोरा जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, उसके साथ एक महीना रजनीश ने बैठ के मेहनत की हुई है, तब जाके ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत निकल के आया हुआ है। राव अर्जुन बिजलानी जो कि हमारी फिल्म में सेकंड लीड प्ले करे, उसको तो सभी टीवी पे चाहते थे, सबने टीवी पे लाइक करते थे, और मैं भी उसका कहीं ना कहीं उसके एक सीरियल का फ़ैन रह चुका हूँ। तो जैसे ही इस कैरेक्टर की बात हुई तो हमने अर्जुन को ही फिल्म सबसे सोचा कि साथ करें। देखिए कैरेक्टर, एक्चुअली इस फिल्म में कैरेक्टराइजेशन जो करने की जब टाइम आई थी तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, क्योंकि हमें एक दबन कैरेक्टर चाहिए था। तो जब मैंने प्रोड्यूसर को रजनीश के बारे में बोला तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि रजनीश कर पाएगा कि नहीं ये इतना दबन, लेकिन फाइनली जब उन्होंने ऑन सेट देखा तो उन्होंने भी रजनीश को सलाम कर दिया, इतना अच्छा रजनीश। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी सबसे कहना चाहूँगा कि 19th फैट को फिल्म रिलीज हो रही है और आप सब जाएगा। देखिए डायरेक्ट इश्क के जो गाने हैं वो डायरेक्ट इश्क की ही तरह हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोगों के पास टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, और छोटी सी ज़िंदगी हमेशा होती थी, लेकिन अभी करने के लिए बहुत ज़्यादा है, दुनिया जो है वो बहुत छोटी हो गई है, इन द सेंस हमारी अप्रोच जो है वो बढ़ गई है, तो हर चीज़ें डायरेक्ट होने लगी हैं। जैसे अभी आप, जैसे हम पहले स्ट्रगल करते थे तो ऑफिस जाते थे, अभी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो उसी लिए ये फिल्म भी हमने छोटे से टाइम में बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि हम
जो है बस स्टॉप पे खड़े रहें लेटर लेके या बोलने के लिए, तो अब वो ज़माना नहीं है, अभी सब डायरेक्ट वाला है और होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। मेरा मानना ये है कि हम किसी चीज़ को करने में जितना, मतलब जो है वहाँ तक पहुँचने में या करने में या सोचने में जितना टाइम लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम मतलब उसमें ना लगा के हम जो करते हैं उसको ज़्यादा टाइम दें, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा हुआ। तो इसलिए ये फिल्म जो है वो डायरेक्ट इश्क है और हम मतलब इसका थीम वही है कि इश्क मतलब जो इश्क तक पहुँचने में हम टाइम ना लगाएं, इश्क करने के बाद हम इश्क करें, मोहब्बत ज़्यादा करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, वो है। जानना चाहेंगे आपसे, पहले के जो गाने होते थे उसमें पोएट्री बहुत सुंदर जी, चाहे फिल्म कुछ भी हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, कॉमेडी, मूड भी बन रहा है और मैसेज भी मिल रहा है, तो आप ये मिसिंग क्या नहीं, ये आपसे किसने कहा? देखिए मैं आपको बताऊं कि फिल्म गाने जो होते हैं वो फिल्म के लिए होते हैं। अब जैसी फिल्में बन रही है, जैसी ऑडियंस है, उसी के हिसाब से गाने बन रहे हैं। अभी मैंने एक फिल्म की है बाजीराव मस्तानी, उसमें देखिए आप पोइट्री मैंने की है, कोशिश की है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई, तो पोइट्री है। इस फिल्म में भी आप जब गाने सुनेंगे तो जैसे यही गाना है, इसमें गाना है तेरा नाम आते की दास्तां में मेरी, कुल्फियाँ खुल गई हैं जबाँ पे मेरी, जिस्म से अंगड़ाइयाँ झड़ने लगी, होंठ से सिसकियाँ नीचे गिरने लगी, तेरा इश्क बिल्कुल नींबू सा है। तो मैंने कोशिश की है कि पोइट्री हो बट आज की, क्योंकि जो आज की लैंग्वेज है, जो हमारी फिल्म है, उसके हिसाब से गाने होते हैं, गानों के हिसाब से फिल्म नहीं होती। तो ऐसा नहीं पोइट्री है, बट ठीक है कुछ गाने होते भी हैं तो चेंज हुई, अब सारी चीज़ें होती चमन में, वो एक शेर है कि चमन में एक तलाते रंगो भू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर खराब पोइट्री नहीं होगी तो आप अच्छी पोइट्री समझेंगे कैसे, तो ये है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, हमने भी कोशिश की अच्छा करने की, बहुत लोग कर रहे हैं, पोइट्री हो भी रही है, पोइट्री लोग सुन भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है पोइट्री कहीं नहीं जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, ये मैं आपसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि पोइट्री रहेगी। देखिए आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये फिल्म मैंने ही लिखी है। हाँ, इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन पे डायलॉग्स मैंने ही लिखे हैं, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फिल्म मैंने गाने लिखे हैं। ये पहली फिल्म है मेरी एज ए स्क्रिप्ट राइटर जो रिलीज़ हो रही है, अभी मैं और भी कई काम कर रहा हूँ, बट ये मेरी पहली फिल्म है। तो मैंने कोशिश की है इसमें, क्योंकि बाकी जो फिल्में मैं करता हूँ तो मैं चूँकि बहुत मैं उसमें राइटर नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं जो मैं नहीं कह पाता हूँ गानों में, नहीं हो पाती है। बट इस फिल्म में चूँकि मैंने ही फिल्म लिखी है तो मुझे पता है कि इसमें क्या होना चाहिए था, कैसे गाने होने चाहिए थे, तो मैंने कोशिश की है। मेरी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक पोएट पहले हूँ, मैं एक शायर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पोइट्री बेवजह फिल्म को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ना हो, क्योंकि फिल्म में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो नुकसानदेह साबित होती है, और ज़रूरत से कम है वो भी नुकसानदेह साबित होती है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरी पोइट्री जितनी इस फिल्म के लिए होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की है और रखी है, और फिल्म के हिसाब से गाने करने की कोशिश की। जी ये बिल्कुल फिल्म है, कॉमर्शियल फिल्म है, शायराना फिल्म नहीं है, ये एक म्यूज़िकल फिल्म है, जो लव स्टोरी है, म्यूज़िकल फिल्म है, और एक रॉक स्टार जो हमारी हीरोइन है, लड़की है डोली पांडे, उसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है, तो आउट एंड आउट कॉमर्शियल फिल्म है, कोई शायराना का फिल्म नहीं। देखिए मैं चूँकि मैं एक राइटर हूँ, तो मैं मेरा फुल जॉब यही है, मतलब फुल टाइम जॉब है मेरा, तो मैं सोता भी राइटिंग में हूँ, उठता भी राइटिंग में हूँ, बैठता भी राइटिंग में। तो मेरे पास जब मैं अब से पहले मैं गाने कर रहा था, मेरे तकरीबन बाजीराव और वजीर मिला के 27 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, तो मेरे पास गाने का ही मैं काम करता था, और मैं बाकी टाइम जो बचता था मैं उसमें पोइट्री करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ मुशायरे पढ़ने आउट ऑफ इंडिया यहाँ वहाँ, तो मेरे पास टाइम था, क्योंकि फिल्म के जो गाने होते हैं वो 2-5-10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने वो टाइम मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र वो नहीं रही कि मैं कहीं यहाँ खेलता फिरूँ, वहाँ खेलता फिरूँ, और वो डायरेक्ट इश्क करता फिरूँ, तो वो है। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग करूँगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने स्क्रिप्ट को है वो जो चूँकि मैं पोएट हूँ तो मुझे ख्याल तो आते हैं, मुझे ख्याल आते हैं, तो मैंने उन ख्यालों को एक अच्छी स्क्रिप्ट में ढालने की कोशिश की है, और चूँकि ये फिल्म हमने
वहाँ यूपी के बैकग्राउंड पे रखी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के जो नुएंसेस हैं छोटे छोटे, लेकिन कोई भी कहानी दुनिया में बहुत ग्रेट नहीं होती, और ख़ास तौर से हमारे बॉलीवुड में जितनी फिल्में बनती हैं उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट जो है वो हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं हमारी ऑडियंस वैसी नहीं है, अभी तक हो रही है लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है हो भी गई, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो हमें जो है वो जहन में रखते हुए, तो कोई भी कहानी बहुत ग्रेट नहीं होती, सब वही कहानी है, हीरोइन होती है, हीरो होता है, विलन होता है, वही कहानियाँ होती है। आप कोई फिल्म उठा के देखिए जिसमें इससे अलग तो कुछ होता नहीं, तो जो मेन होते हैं वो कहानी के नुएंसेस होते हैं, हम कह क्या रहे हैं, हम स्क्रीन पर प्ले जो है क्या कर रहे हैं, वही मेन होते हैं। तो वो हमने कोशिश की है इसमें वहाँ के, चूँकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ उसे, तो उसके छोटे छोटे नुएंसेस मैंने डालने की कोशिश की, वो इंशाल्लाह बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नए लगेंगे और वो इंटरेस्टिंग। नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ तो बड़ी डिफरेंट है, वो जो सबकी होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कहना कुछ होता ही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कुछ नहीं है, सबकी में होता है, मेरी में भी है, मैं भी इस दुनिया का आदमी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आउट एंड आउट, मैंने आपको बताया कि मैंने कॉमर्शियल सोचा है कि लोगों को मज़ा आए फिल्म देख के, जो लोग आते हैं अपना टाइम देते हैं पैसे देते हैं फिल्म को, तो उसमें वो कुछ लेके जाएं, इंटरटेनमेंट लेके जाएं, अगर हम कुछ मैसेज दे रहे हैं थोड़ा बहुत कहीं तो वो लेके जाएं, और मस्ती मजाक फन वो लेके जाएं। तो वही हमने कोशिश की है इसमें डालने की, कोई सच्चाई इसमें, मतलब कोई सच्ची घटना पर ये फिल्म नहीं है, और इसमें हमने डालने की वही कोशिश की कि नुएंसेस लोगों को मज़ा आए देखें, तो वो एक कोशिश है। मसूर भाई, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको अपनी कहानी पर इतना विश्वास है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब कोई भी कलाकार अपनी जर्नी शुरू करता है किसी भी नए फील्ड में, तो वो सिक्योर सेफ खेलना चाहता है, तो आप इतने स्टार्ट के साथ ये सब ये फिल्म शेयर करके कहानी को इस पात्र में डाल के एक रिस्क नहीं है, आपने बड़े स्टार के साथ काम नहीं करना चाहता जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है। स्टार्स नो डाउट आपकी फिल्म को इनिशियल लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म जो चलती है वो कहानी पे चलती है, वो फिल्म पे चलती है कि आपने फिल्म क्या बनाई है। आपने देखा भी होगा, अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे, या आप तो इंडस्ट्री में हैं तो देखते आ रहे होंगे। तो मैंने कोशिश ये की, चूँकि जब मैं आया था नया नया, तो मैंने राइटिंग भी ज़ीरो से ही शुरू की थी, और मैं करते 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 मैंने बाजीराव मस्तानी और वजीर तक का सफ़र तय किया, और इंशाल्लाह आगे भी मैं जब चीज़ें आएंगी तो आपको बताऊंगा मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ शुरू से ही शुरू की जाए, तो मैं वो भी यहीं से शुरू कर रहा हूँ, और चूँकि मुझे यकीन है कि हमारी जो कहानी है वो बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। जिस लेवल पे भी हमने ये फिल्म बनाई है, जितनी बनाई है उतना इंटरटेनमेंट हम इंशाल्लाह 100% लोगों को दे पाएंगे। तो मैंने शुरू किया, और हम सब ने मिलके, मैंने नहीं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। इसमें पूरी टीम, एक आदमी का ये काम नहीं है, पूरी टीम ने, रजनीश जी ने इतना अच्छा काम किया है, अर्जुन भाई ने, निधि ने, रजनीश जी ने तो इवन, चूँकि उसमें उनका जो करेक्टर है बहुत ही डिफरेंट है, और वो बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट करेक्टर है जो वहाँ हमारे यहाँ यूपी में होते हैं, तो उन पर उन्होंने बहुत काम किया है, मेरे साथ वो बैठे हैं, वर्कशॉप किया है, काफ़ी सारा काम किया है, बड़ी मेहनत की है। तो ये फिल्म सबकी मेहनत से बनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो एक छोटा सा काम किया है ये ज़रूर बड़ा साबित होगा, और हम इससे 1, 2, 3, 4, 5 इससे इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, पहली बार तो ये फिल्म यूँ देखेंगे, ये मैंने लिखी है, ये मेरी पहली फिल्म है, मैं ये चाहूँगा कि लोग इसलिए देखें, और दूसरी बात ये है कि हमने इसमें, मैं फिर अगेन वही कहूँगा कि कोई स्क्रिप्ट कोई स्टोरी बहुत अलग नहीं होती, वही होती है, हमें वही करना होता है, बस अंदाजे आप क्या बनाएंगे, सारी फिल्में बन चुकी हैं, सारी बातें कही जा चुकी हैं, ना कुछ पढ़ने के लिए है ना लिखने के लिए, बट वही जैसे आपकी कहानी, आपकी लाइफ की भी वही कहानी होगी, वही करेक्टर्स आए होंगे, क्योंकि वही दुनिया है, मेरी भी वही है, लेकिन हमारा उसे कहने का जो अंदाज़े बयां होता है कि हम उसे कैसे कहते हैं, कैसे बताते हैं, नरेशन जो हमने फिल्म में दिया है वो डिफरेंट है, वो नुएंसेस हैं, मुझे लगता है कि इसलिए ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी और मज़ा लेगा। थैंक यू सो मच। वेल, बेसिकली जब मुझे राजीव ने बोला कि वे इसका म्यूज़िक करते हैं, तो मेरा अप्रोच कुछ और है, मतलब क्या अप्रोच है, मतलब माय कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर इज इटसेल्फ ए सिंगर, शी इज़ अ सिंगर इटसेल्फ, तो थोड़ी डिफरेंसेस गाने चाहिए, नॉट टिपिकली कमर्शियल, नॉट टिपिकली ऑफबीट, उसके बीच में चाहिए,
द मूवी सेट इन बनारस, तो मुझे थोड़ी सी फ्यूजन चाहिए, बनारस की टच, टिपिकल बनारसी फ्लेवर्स एंड ऑल. तो मैंने बोला ओके करते हैं. तो बनारस मैंने जब सोचा, मैंने क्या किया जाए बनारस पे समथिंग स्पेशल, सारे रॉक गाने आ चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला कि फीमेल के साथ करना है. तो गंगा मैया मुझे आया याद, तो एक गाना मैंने बोला कि एक गाना करते गंगा मैया पे. तो वी सेट विद तौराज भाई एंड राजीव भाई, फिर हमने फ्यूजन रॉक फ्लोर ड्रम्स में गंगा मैया, देन सोचा अब क्या करें, हो गया. तो बोला जब ओके, तौराज भाई ने बोला जब फीमेल कैरेक्टर है तो इस बार लड़कियों पे जो हो रहा है गलत सीधा सही अच्छा बुरा भला, एक गाने की इसके थ्रू सेंड करते हैं इन ए रॉक वे आज के युग के लिए, मेरा किस्सा किया. सो दिस वे सॉन्ग्स वेंट ऑन. बस अभी तो गाने चल भी रहे हैं, थैंक्स टू पीपल दैट पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स. कुछ आर्ट बस्टर में भी आए हैं टॉप 10 में, दैट्स इट. सारे फीमेल सॉन्ग्स हैं तो मैं कौन सा, अच्छा मेरा किस्सा एक गाना है जो कि मैं थोड़ा तुमको साला पता नहीं है, लड़की होना खता नहीं है, जितना चक पे हक तेरा उतना ही मेरा हक है. ये चार लाइन थी. वेल देखिए, टू बी फ्रैंक, आजकल बॉलीवुड में म्यूजिक बनाना इट्स बिकम वेरी कमर्शियल. बहुत कम टाइम मिलता है आपको सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का. पीपल डोंट गिव यू दैट फ्रीडम जो पहले मिलता था. विद राजीव थिंग्स वेंट डिफरेंट. राजीव ने मुझे बोला तू मुझे जो गाना देगा मैं बोलूँगा, आई वोंट बी चूजी, मेक श्योर इट्स योर बेस्ट. सो थोड़ा सा सर टफ था टू मेक द सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच. इसके अंदर मैंने 5 गाने गाए हैं और सारे डिफरेंट जॉनर्स के हैं. इसके अंदर सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डांसिंग नंबर भी है, तो काफ़ी रॉक जॉनर्स भी हैं, सॉफ्ट रॉक भी है. तो बेसिकली मैं कहूँगी कि बहुत सारे जॉनर्स के सॉन्ग मुझे गाने का मौका मिला इसके अंदर. सबसे पहले तो मुझे उसका फील, बेसिकली लिरिक्स, फील, कॉम्पोजिशन कैसे है, ये सब सुन के और पता करके कि एक्चुअली मुझे पता चले कि मैं क्या इमोट करने वाली हूँ. और जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो फिर कोई भी गाना बन नहीं सकता. तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि मैं लिरिक्स और फील पहले समझूँ. जी मैं सोनू जी, लता मंगेशकर जी और फ्रेडी मर्करी, इन लोगों को मैंने बहुत फॉलो किया है. तो मैं जैसा सॉन्ग रहता है मैं ज़रूर एक बार कोशिश करती हूँ कि वैसा सोचने का कि आखिर वो गाते तो कैसा गाते और कैसे मैं इमोट करूँ. जी नहीं मैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं करती. एक्चुअली मैं जितनी सिंप्लिसिटी से, जैसे कंपोज़र का मैं कॉल लेती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप कंपोज़र के सिंगर हैं, वो जितना मुझे बताते हैं इतना बताया कि इसको इतना ही गाना है तो मैं उतना ही गाती हूँ. मैं उनसे डेफिनेटली उनको ऑप्शंस देती हूँ कि सर ऐसे गा लो ऐसे गा लो, उनको अच्छा लगता है तो रखते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो बोलते हैं नहीं हटा दो बेकार है. नहीं बहस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल कंपोज़र इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं हर चीज़ को लेकर, तो वो खुद बोलते हैं कि आप इसको अपना सॉन्ग समझिए, ये मेरा सॉन्ग नहीं है. मुझे बहुत सारे कंपोज़र्स ऐसा कहा कि तुम गाओ गाना तो उसको अपना गाना समझ के गाओ. तो जब अपना गाना समझ के गाते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि सर यहाँ पे हस्क में गाओ तो कैसा लगेगा, यहाँ पे वॉइस क्रैक कर लूँ क्या, तो वो सब ऑप्शंस मैं देती हूँ. कई बार रखा जाता है, कई बार हटा दिया जाता है. जी हाँ, एक्चुअली कई बार तो बहुत आसानी, जैसे आप सैड रहते हैं मान लीजिए कोई बात हो गई, हमेशा तो हैप्पी नहीं रह सकते, और अगर उस टाइम पे सैड सॉन्ग मिल गया तब तो बहुत ही मज़ा आ गया. मतलब तब कुछ करना नहीं है, जाके बस खड़े होकर गा देना है क्योंकि आप पहले से ही रो रहे होते हैं. बट अगर आप सैड हैं और अगर आपको हैप्पी सॉन्ग गाने का मौका मिल गया वो तब फिर आपको सोचना पड़ता है, एक्चुअली इवेंट सोचने पड़ते हैं. तो फिर आप सोचते हैं अच्छा हाँ ये मुझे हैप्पी कर सकता है, तो फिर वो सोच करके करते हैं. तो कई बार पर्सनल लाइफ से लेते हैं, कई बार आपको इवेंट क्रिएट करना पड़ता है दिमाग में और फिर गाते हैं. नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई डायरेक्ट इश्क नहीं हुआ है मुझे. डायरेक्ट इश्क सिंगिंग से जो हो गया था उसके बाद तो अभी तक नहीं हुआ है, और अभी लगता भी नहीं है होगा.
देखिए मैंने जैसे बताया कि सारे डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग हैं, तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते. जैसे कि कई बार आपको एक डांसिंग नंबर पसंद है बट कट्टू आप सैड सॉन्ग बज रहे तो वो भी आपको पसंद होगा. तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि कौन सा मेरा पर्सनल फेवरेट है. बट हाँ, मुझे इतने डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग आने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है. और अभी एक इसमें सॉन्ग है बस इतना है मेरा किस्सा, जिसमें कि फीमेल एम्पावरमेंट की बात की गई है, मतलब लड़कियों के लिए. मुझे बहुत मज़ा आता है, उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी है और विवेक कर जी ने उसका म्यूज़िक दिया है तो वो मुझे बहुत पसंद है. नींदू साइज का भी काफ़ी यूट्यूब के ऊपर पकड़ रहा है तो वो भी मुझे बहुत पसंद है. और दो दो सैड सॉन्ग है, एक रेत बैंक का डूटे तारे वो बहुत अच्छा, और एक है बहुत ही करीबी सॉन्ग है मेरे दिल के, दुआ में याद रखना जी. जुदा हो जाओ लेकिन कहीं भी जाओ लेकिन हमें आबाद रखना. तुम रूठ जाओ लेकिन हम टूट जाए लेकिन हमें आबाद रखना. दुआओं में तुम याद रखना, तुम याद रखना, किसी के पहले रखना, किसी के बाद रखना. थैंक यू. देखिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म बेसिकली डायरेक्ट इसको उसके गाने, बिकॉज इसके अंदर मुझे बन्नो के अलावा, जैसे बन्नो जब मैं गा रही थी उसमें मैंने फोकस टेक्सचर रखा था वॉइस का. अभी तब भी मैं कह रही थी कि मैं और भी डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग गा सकती हूँ, मैं रोमांटिक नंबर गा सकती हूँ, बट उस टाइम पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था कि कैसे गाएगी अगर कोई लड़की बन्नो तेरा स्वैगर वैसा, वो भी उस एक्सेंट में गा रही है तो कैसे कोई इमेजिन कर सकते हैं कि कट्टू ये हस्क में गाएगी, नींबू साइज का और ऐसा गाएगी. तो मुझे इस मूवी से मौका मिल गया गाने का और एक साथ इतने सारे गाने आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी उम्मीद है. और मुझे ये अच्छा है कि चलो मैं जो बोल रही थी उसका प्रूफ है मेरे पास कि नहीं मैं गाती हूँ. जी थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. डायरेक्ट इश्क एक फैमिली एंटरटेनर है, इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, रोम कॉम है और ट्राइंगुलर लव स्टोरी काइंड ऑफ इसमें है. और डायरेक्ट इश्क नाम सब कुछ सजेस्ट कर देता है कि इसमें हो क्या रहा है. दोनों लड़कों को डायरेक्ट इश्क हो गया है लड़की से, जो ऑब्वियसली निधि प्ले कर रही है, निधि सुबैया, और उनके किरदार का नाम है डॉली पांडे. मेरे किरदार का नाम है कबीर वाजपेयी, बनारस का ही है, माता पिता वहाँ से हैं और मुंबई में पढ़ाई की है उसने, और उसकी खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है. तो वही बॉय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ अ गाय, जैसे मुंबई में लड़के होते हैं, और वो बनारस आता है अपने पेरेंट्स से मिलने, और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, उसकी दादी उसकी शादी करवाना चाहती है और उसके पीछे पड़ी हुई है. तो वो सोचता है यार शादी तो उसे करनी नहीं थी, बिकॉज उसे अपना काम और करियर बनाना है. तो वो सोचता है कि यार किसी लड़की को ऐसे ही मैं दादी के सामने ले आऊँगा और अपना काम पे निकल जाऊँगा. जब वो बनारस आता है तो उसकी मुलाकात हो जाती है डॉली पांडे से और उसे हो जाता है डायरेक्ट इश्क. द प्रोड्यूसर कॉल्ड मी अप एंड ही सेड मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ट्राइंगुलर लव स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ. तो आई इन्वाइटेड देम होम एंड उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे कबीर वाजपेयी का किरदार बहुत अच्छा लगा और मैंने हाँ कर दिया. मैंने इतना सोचा नहीं, ऑनेस्टली मैंने सच में नहीं सोचा. मुझे था कि उस टाइम मेरा एक जस्ट शो जस्ट मैंने ख़त्म किया था और ये फिल्म ऑफर हुई, मैंने कुछ दूसरा साइन नहीं किया हुआ था कोई शो, तो मुझे था कि समथिंग टोल्ड मी जस्ट डू इट एंड आई सेड ओके, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे लगा कि ये बहुत क्लीन फिल्म है,
इट सीम्ड लाइक अ फैमिली एंटरटेनर. गाने मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने हाँ कर दिया. यस नाउ दैट इज ये जो कुछ भी हुआ दो साल पहले हुआ था. दैट वॉट दैट टाइम माई थॉट प्रोसेस वॉज डिफरेंट. आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन. आई यूज़ टू थिंक डिफरेंट. टुडे आई थिंक डिफरेंटली एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली आई विल प्लान. टुडे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आई विल बी वेरी चूजी अबाउट वॉट कम्स बाय माई वे. वॉट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट आई शुड डू बिकॉज वो आपके यू नो एज अ करियर मूव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट काइंड ऑफ अ फिल्म यू चूज. नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अर्लियर आई शुड नॉट थिंक लाइक दैट. एंड तो वो होता है ना कि आप फिल्म आ गई और आपने पढ़ी आपको अच्छी लगी आपने कर ली. आपने किसी से पूछा नहीं किसी से जाना नहीं. आपने अपने दिल की बात सुनी और आपने कर ली. बट राइट नाउ आई फील दैट आई शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल चूज वाइजली. मैं बहुत नर्वस था. बहुत नर्वस था मैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कैमरा फेस कर चुके हो टी वी आप कर चुके हो बट स्टिल यू आर नर्वस अबाउट दैट फर्स्ट शॉट. हाउ इज़ इट गोइंग टू बी योर फर्स्ट शॉट. हाउ इज़ द फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म गोइंग टू बी एंड व्हाट यू गोइंग टू डू. बट पहला दिन मुझे याद है हम बी एच यू में शूट कर रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और रजनीश के साथ ही सीन था मेरा. एंड इट आई थिंक हमने एक घंटे में वो सीन ख़त्म कर दिया. एक या दो घंटे में वो सीन ख़त्म कर दिया एंड इट वेंट वेरी स्मूथली. या ऑफकोर्स डायरेक्टर के साथ जो राजीव जी हैं उनके साथ हम बैठते थे. प्रॉपर रिहर्सल हुई. फिर मैंने अपने कुछ सजेशंस दिए. रजनीश ने अपने कुछ दिए. उन्होंने फिर कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके फिर हमने उस सीन को शूट किया. देखिए मैं ये सब सोच नहीं रहा हूँ कि मेरे करियर को ये फिल्म कहाँ ले जाएगी बिकॉज दैट्स नॉट इन माई हैंड. आई थिंक किसी एक फिल्म से आपका करियर यू नो लॉन्ग टर्म करियर कभी डिसाइड नहीं होता. सो फॉर लॉन्ग टर्म करियर व्हाट रियली मैटर्स इज व्हाट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट यू पुट इन एंड वेदर पीपल लव यू और नॉट. बिकॉज ऑफ टेलीविजन येस आई हैव दैट स्लाइट एज बट फिल्में इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैनवस ऑल टुगेदर. और मैं आई होप कि यू नो आने वाले यू नो वंस पीपल सी दिस फिल्म वंस दे सी माय वर्क ऑन द यू नो ऑन द बिग स्क्रीन यू नो आई एम आई डू गुड वर्क. आई थिंक ऑल द एक्ट्रेसेस आई थिंक दे आर फैब. आई वांट टू रियली वर्क विद विद्या बालन. आई थिंक शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस एंड आलिया भट्ट आई थिंक शी इज वेरी क्यूट और जैकलीन. आफ्टर चिट्टियाँ कलाइयाँ मुझे था कि यार शी इज सो प्रिटी. एंड आई थिंक एवरी एक्टर हु कम्स यू नो इन टू द इंडस्ट्री वुड वॉन्ट टू वर्क विद ऑल दीज हीरोइंस एंड सो डू आई. आई वॉन्ट वर्क विद ऑल ऑफ देम. थैंक यू सो मच. थैंक्स. Thank you.
डायरेक्ट इश्क एक देसी लव स्टोरी है, ये एक बनारस बेस्ड कहानी है और एक बहुत ही लाइट रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें मतलब बनारस को एक बैकग्राउंड रखते हुए एक बहुत ही सिंपल कहानी बताई गई है। एंड मैं एक बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी का लीडर प्ले कर रहा हूँ, अर्जुन जो है वो एक सिटी मतलब मुंबई से आए हुए बनारस के लड़के प्ले कर रहे हैं, एंड डॉली पांडे जो है निधि सुबैया वो एक लोकल पंडिताइन प्ले कर रही हैं, जो कि एक लोकल रॉक स्टार है और एक वानवी सिंगर है। तो इन सब के बीच में जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इन सब के मतलब यू नो, जब इन दोनों लड़कों को लड़की से प्यार होता है और डायरेक्ट इश्क होता है पहली नज़र में, उसके बाद आगे जो जो छोटी छोटी तकरारें होती हैं बस उसी के ऊपर है डायरेक्ट इश्क। जी मेरी लाइफ में मुझे फ्रैंकली बताऊं तो डायरेक्ट इश्क ही हुआ है। मैं जब पहली बार पल्लवी को मैंने देखा तो जो मेरी अब वाइफ है और पहले गर्लफ्रेंड थी, तो उनको पहली नज़र में ही मतलब हम दोनों को एक तरह से डायरेक्ट इश्क ही हो गया था। पहली बार देखा तो एक दूसरे को देख के बस स्माइल की दोनों ने, एंड उसके बाद एक बार और देखा तो बस लव हो गया, एंड वही था मोमेंट डायरेक्ट इश्क। जी जी फिल्म के दौरान हाँ मतलब कुछ चीज़ें आई वुड से कि एक तो इसमें जो विक्की शुक्ला है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही दबंग टाइप का कैरेक्टर है और बहुत ही गुस्से वाला आदमी है लेकिन दिल का साफ है। अभी रियल लाइफ में मैं पहले जब मैं मतलब जब कॉलेज के टाइम पे मैं बहुत गुस्से वाला था, मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी रिलेट किया विक्की शुक्ला से, क्योंकि विक्की शुक्ला को बात बात पे गुस्सा आ जाता है, विक्की शुक्ला हाथ पहले छोड़ता है बात बाद में करता है, तो बिल्कुल वैसा ही था मैं। एंड वो काफ़ी चीज़ें मैंने उठाई क्योंकि आई थिंक वो इसमें डाली गई, एंड ऑब्वियसली बात करने का स्टाइल बदल गया लेकिन अंदर से जो इंसान उसको रखा है वो रखा है जो मैं एक तरह से आप समझिए कि कॉलेज के टाइम पे और वो थर्ड फोर्थ ईयर के आसपास में था, एंड सो यही एक रिलेशन है। जी लाइव बहुत सारे इंस्टेंसेस थे वहीं पे जो होते थे उस दिन, मतलब जैसे पैकअप के बाद कभी कभी शाम को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे या कुछ चीज़ें दिखती थी जो अगले दिन हम लोग ट्राई करते थे कि शूट में डलवा दें। इनफैक्ट मतलब वो तो वैसी सजेशंस मैंने काफ़ी दी और तुराज भाई मेरे साथ जो थे राइटर वो हम लोगों ने भी काफ़ी सजेशंस दिए डायरेक्टर सर को कि ऐसा सर अगर करें तो क्या होगा। तो जैसे इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक कि हमने लोकल चीज़ें देखी कि अगर पान वहाँ पे बहुत फेमस है, नॉर्मल लोग चबा रहे होते हैं, तो इनफैक्ट एक गाना हम लोग कर रहे थे जहाँ पे हम लोग 30 या 32 लोग हैं तो उसमें सभी पान चबा रहे हैं। देन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गंगा के घाट पे करनी थी तो हम एक्चुअली में गंगा के घाट पे फिर बोट में करी सामने, तो बहुत छोटे छोटे से इंस्टेंसेज और नुएंसेज थे जो वहाँ जाके ही पता चल सकते हैं, जो यहाँ पे हम जितना मर्जी वो स्क्रिप्ट पे काम कर लें जितना मर्जी सोचें कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं किसी शहर में तो वहाँ की जो असली नेचर होती है वो आपको अंदर ले ही लेती है, एंड वैसी आई थिंक बहुत सी हेल्प मिली, बहुत अच्छा लगा इनका। जी ऑब्वियसली जैसा आप बोल रहे हैं कि एक स्टैम्प लग जाता है कि थ्रिलर्स और हॉरर्स ये करता है सिर्फ, तो मेरे भी माइंड में वो था और मेरे माइंड में ये भी था कि मेरे को उसमें भी मुझे जो रोल्स मिले थे वो सिर्फ एक सॉफ्ट स्पोकन लवर बॉय वाले रोल्स थे, तो उसको मुझे तोड़ना था। इनफैक्ट राजीव जी भी जब मेरे पास आए थे तो मेरे लिए वही रोल लाए थे, वो मतलब उन जो अर्जुन ने अभी प्ले किया है वो एक सॉफ्ट लवर बॉय सिटी का लड़का जो वापस आता है वो वाला रोल लेकर आए थे, लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ हटके करना है, तो जब मैंने सुना कि ये विक्की शुक्ला है जो एक दबंग एक बनारसी लौंडा है, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं ये वाला रोल करना चाहूँगा और अगर आप ये वाला देते हो तो मैं करता हूँ, एंड सो ही वॉज लाइक कि यार ये बहुत चैलेंजिंग होगा, आप देखो काफ़ी काम करना पड़ेगा इसको, एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं सर मेरे को काम करना है एंड अगर मैं करना चाहूँगा तो यही करना चाहूँगा, अदरवाइज लव बॉय तो मैंने काफ़ी प्ले किया, सो देन वी डिसाइडेड टू प्ले विक्की शुक्ला, एंड आई थिंक आज इस बार आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट देखने को मिला।
जी बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं, आई थिंक एज एन एक्टर मैं बहुत बहुत भूखा हूँ, आप कह सकते हैं एक हंगर है मेरे अंदर जो जो अभी तो शुरू है, एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, दैट्स वाई टेकिंग दिस रोल ऑफ विक्की शुक्ला वॉज माई हंगर, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली ऑफर्ड कबीर बाजवा. उसके अलावा जो अब मैं नेक्स्ट, इनफैक्ट जो तीन चार फिल्में कर रहा हूँ वो सब सब में कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट रोल्स हैं जो मैं प्रॉब्ली शायद करना चाहता था वैसे ही, मतलब और जैसे एक में चोट ले गया तो वो बहरू भी है, वो 5-7 रोल हैं एक ही पिक्चर में, एंड उसमें वो मतलब पुलिस वाला भी है, उसमें वो गुजराती भी है, मराठी भी है, साउथ इंडियन भी है, और एक लोकल बम्बैया भाषा एंथनी जैसे बोलता है वैसे भी बोल रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा मिक्सर है उसमें. देन अलॉन्ग विद दैट देन देर इज़ अ फिल्म कॉल्ड बेईमान लव, अभी उसमें भी मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मतलब उसमें एक फ्लैम्बॉयंट सा बहुत रिच स्पॉइल्ड ब्रैट प्ले कर रहा हूँ. तो मेरे लिए सारे चैलेंजिंग हैं क्योंकि मेरे से बहुत हटके रोल्स हैं. देन एक फिल्म है ये लाल रंग, उसमें भी जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो एक हरियाणवी SP है जो मतलब जो बहुत रॉ और रगेड है. तो ये सब कैरेक्टर्स जो अब मैं प्ले कर रहा हूँ वो आई वुड से कि क्रिएटिवली मुझे बहुत सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड ऐसे ही कैरेक्टर्स की मुझे और भूख है, ऐसे ही कैरेक्टर्स मैं और मांगता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स ला के दो, ऐसे चैलेंजेस ला के दो जो मैं पूरे करूँ, जिन पर मैं खरा उतरूँ, एंड इनफैक्ट जितना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा उतना ही शायद मैं उसको और अच्छा करूँ, क्योंकि मे बी मेरा नेचर ही ऐसा है, क्योंकि देन आई एम पुट इन अ कॉम्पिटिशन देन आई परफॉर्म बेटर, सो अदरवाइज मैं थोड़ा लेजी हो जाएगा. तो आई थिंक कि जितने चैलेंजिंग रोल्स होंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा. जी जी मैंने अभी रिसेंटली देखी है बाजीराव मस्तानी. आई लव रणवीर सिंह, आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर, और बाजीराव का जो रोल है वो अपने आप में ही एक ऐसा रोल है जो आई एम श्योर कोई भी एक्टर करना चाहेगा, एंड आई वुड हैव लव टू प्ले दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे इट्स बीन डन. आई थिंक यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रणवीर फॉर प्लेइंग दैट, एंड यू नो संजय सर फॉर स्पॉटिंग हिम टू डू दैट रोल. उसके अलावा रोल्स लाइक भाग मिल्खा भाग, उसके अलावा रोल्स लाइक मतलब सी बेसिकली वो जहाँ पे भी एक एक स्पोर्ट्स या पेट्रियाटिक एलिमेंट आता है वो पता नहीं, आई पर्सनली हैव अ थिंग कि मुझे वैसे रोल्स करने हैं, तो आई एम होपिंग कि वैसे रोल्स मेरी तरफ आए एंड मैं उन्हें करूँ. जी आई थिंक फिल्म का जो जो एक फिल्म किसी भी फिल्म का फेट होता है वो तो ऑब्वियसली फ्राइडे से ही पता चलता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या किया हुआ है वो हमारे हाथ में एज एन एक्टर, एंड एज एन एक्टर आई फील दैट आई हैव गिवन माय 100% टू दिस फिल्म. सो वो आई एम श्योर जो भी देख रहा होगा, जो भी ऑडियंस है, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखेगा वो उनको दिखेगा, एंड आई एम श्योर कि उस एंगल से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर दैट्स उसमें अच्छा ही होगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई होप सो टू.